अस्सलाम गाइस, मैं हूं शायद और आप देख रहे हैं मैं YouTube चैनल टेक्निकल शायद सर। गाइस आज मैं आपको सिखाऊं कुछ इस तरह के वीडियो एडिटिंग जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सैंपल के तौर पर देखा है और जो इसके अंदर मैंने मटेरियल यूज किया उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको एडिटिंग के रिलेटेड, यूट्यूब अपडेट के रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम काइनमास्टर ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये प्लस का बटन शो हो रहा है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हमारे 3:16 आ जाएंगे, 16:9, 9:16 और 1:1। तो मैं सिंपली 16:9 पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो हम चलेंगे मीडिया पर। मीडिया पर प्रेस करने के बाद गाइस हमने यहाँ पर वो वाली इमेज को चूज़ करना है जो हमें चाहिए, जिसे हम एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद गाइस हमने क्या करना है, हम चलेंगे मिरर पर। तो मिरर पर जाने के बाद इसका जो फेस है इमेज का हम लेफ्ट से राइट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर जाके हम कर देते हैं। ओके कर दे। ओके करने के बाद इसे कर देंगे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद गाइस अब हमने क्या करना है, अब हम चलेंगे डबल शेप पर। डबल शेप पर जाने के बाद हम इज इक्वल करेंगे। इज इक्वल का बटन ये वाला, इस पर प्रेस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, अपनी दो फिंगर्स के जरिए इस इमेज को जूम करना है। ठीक है, तो जैसे मैं करूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। जूम करने के बाद गाइस आपने इसे अच्छी तरह सेट कर लेना। सेटिंग करने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम सिंपली जो है इसकी जो लेयर है तो उसको हम करेंगे इंक्रीज। तो मैं यहाँ पे लेयर को इंक्रीज कर लेता हूँ। इंक्रीज करने के बाद फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट पर आने के बाद हम चलेंगे नीचे, ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ से डाउन करने के बाद यहाँ से वैगनेट का ऑप्शन है हमारे पास, हम इसे ऑन कर देंगे। ये गाइस ऑन करने के बाद हम इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद अब हम चलेंगे अगेन इस लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद हम चलेंगे इफेक्ट एफएक्स पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद गाइस हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। करने के बाद यहाँ बेसिक इफेक्ट पर ओपन और गोशन ब्लर को चूज़ कर लेंगे। तो मैं गोशन ब्लर को चूज़ करता हूँ। इसके बाद ओके, यहाँ से चलेंगे बैक इफेक्ट से। ठीक है, बैक आने के बाद हम सेटिंग पर चलेंगे। सेटिंग पर जाने के बाद तो इसे एक पॉइंट हम बढ़ा देंगे, मतलब 2 पे आया तो हम इसे 3 पे करके और कर देंगे यहाँ से इसे ओके। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से ओके। ओके करने के बाद गाइस अब हम इसे करेंगे फिट टू फुली स्क्रीन। उससे पहले हमने इसी लेयर को बराबर करना है। लेयर को बराबर करने के बाद हम फर्स्ट पर आएंगे। फर्स्ट पर आने के बाद इसे फिट टू फुली स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, इसे करने के बाद हम कर देंगे ओके। अब हम चलेंगे अगेन लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद गाइस हम चलेंगे मीडिया पर। मीडिया पर प्रेस करने के बाद तो गाइस अब हमने यहाँ से क्या चूज़ करना है, हमने यहाँ से टेम्पलेट चूज़ करना है। टेम्पलेट जो हमने यूज़ करना है, इस टेम्पलेट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस टेम्पलेट के जो लेयर है इसके बराबर अपने तमाम लेयर्स को कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं नीचे, थोड़ा नीचे से हम ये जो ब्लोर गोशन ब्लोर की लेयर को भी ऊपर वाले लेयर के बराबर कर देते हैं। इसके बाद आएंगे हम फर्स्ट पर। फर्स्ट पर आने के बाद गाइस अब यहाँ से हम इसे इस तरफ से थोड़ा लेयर को इजाफा कर देंगे ताकि 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे फिट टू फुली स्क्रीन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसे बैक। बैक आने के बाद हमने क्या करना है, हम चलेंगे अब नीचे। नीचे जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग का, तो मैं सिंपली ब्लेंडिंग के बटन पर प्रेस करता हूँ और अब हमारे पास नीचे ऑप्शन है स्क्रीन का। इस ऑप्शन के ऊपर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। तब हम इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद गाइस अब हमने क्या करना है, अब हम चलेंगे इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब चेक कर लेते हैं इसे, अब ऐसे एक बार इसे चेक कर लें। अब यहाँ से थोड़ा मसला, इसे हम करते हैं सेट। यहाँ से पुश करके आगे की तरफ खींच रहे हैं इसे, अब देखें हम परफेक्ट हो गए। ठीक गाइस, तो हम चलेंगे अगेन लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद हम चलेंगे मीडिया पर। तो सिंपली गाइस मीडिया पर प्रेस करते हो, अब हमने क्या करना, हमने यही इमेज जो है चूज़ करनी है जो हमें पहले बैकग्राउंड पर चूज़ की थी। ठीक है, इसी इमेज को हम चूज़ करना। चूज़ करने के बाद अब इसके लेयर को ऊपर वाले लेयर के बराबर कर देंगे। ठीक है, करने के बाद अब हम गए फर्स्ट पर। फर्स्ट पर आने के बाद गाइस अब हम इसे उठाएंगे और ये जो हमारे पास फ्रेम है इसके अंदर हम इसे फिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर टेढ़ा जो थोड़ा सा गोल वो है ना एरो, तो हमने उसी के जरिए से टेढ़ा मेढ़ा करना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉपिंग, इसकी क्रॉपिंग फिर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम इसे करते हैं क्रॉप। तो गाइस आप अच्छे से देख लें, बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है।
क्रॉप करने के बाद गाइस इसे अच्छी तरह क्रॉप कर लें। इसके बाद हमने क्या करना है, हम चलेंगे तकरीबन, अब ठीक है, अब हम चलते हैं थ्री डॉट के ऊपर। थ्री डॉट पर हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, ये वाला, तो हम सिंपली इस पर प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसे थोड़ा सा गाइस नीचे रह गया, तो हम अगेन इसे सिलेक्ट करेंगे और चलेंगे क्रॉपिंग पर। क्रॉपिंग जाने के बाद ये नीचे से थोड़ा सा इमेज डाउन है, तो हम इसे फ्रेम के बराबर कर देंगे, जो हमारे पास फ्रेम है। बराबर करने के बाद हम इसे कर देंगे ओके। ठीक है गाइस, अब कुछ आप देखें, आप काफ़ी प्रोफेशनल हो गया। अब हम इसे करते हैं चेक प्ले करके, देखें गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से, यानी कि एक प्रोफेशनल स्टेटस हमारे पास क्रिएट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हम फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट पर आने के बाद गाइस अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो हमारे पास ऑडियो का ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी म्यूज़िक पिक करके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं कोई म्यूज़िक नहीं लगा रहा। ठीक है गाइस, ओके ओके करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक यहाँ से स्पेस आती है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। यहाँ चाहे आप कोई पोइट्री टाइप करना चाहे पोइट्री टाइप कर लें, या जिस बंदे की आप इमेज एडिट कर रहे हैं उसका नेम लिखते हैं, या अपनी इमेज एडिट कर रहे हैं तो अपना नेम लिख देते हैं। तो मैं सिंपली आपको समझाने के लिए अपना नेम लिख देता हूँ। तो मैं सिंपली आता हूँ टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने फाइनल अपना नेम लिखा। नेम लिखने के बाद अब इसे करते हैं सेट, यहाँ पर आते हैं। आने के बाद हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है, अब यहाँ से हम, मैं इसे दूसरे वाला फॉन्ट दे देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला फॉन्ट दे दें। ठीक है, तो इसके बाद देने के बाद इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे थोड़ा सा सेट करते हैं, इसे डाउन करते हैं यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है, हम चलेंगे थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं। करने के बाद अब हम करते हैं इसे लेयर को ऊपर वाले लेयर के बराबर। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लें कि बिल्कुल आपने ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट पर आने के बाद हम इसे प्ले करके देखते हैं, एक काम रह गया, इसे सेंड बैकवर्ड करते हैं। सेंड बैकवर्ड कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी हम इसे करते हैं थ्री डॉट पर क्लिक, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, हमने अब करना है इसे देने हैं एनिमेशन। तो मैं यहाँ पर इसे ब्लिंक शो ओवर ऑल एनिमेशन पर जाकर ब्लिंक शो का जो एनिमेशन है वो देता हूँ। ठीक है, इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसे करते हैं प्ले। तो यहाँ मैंने जस्ट नेम लिखा है, इसके अलावा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप चाहें कोई फोटो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसे एक बार प्ले करके चेक कर लेना। इसके अलावा आप कोई और एनिमेशन देना चाहते हैं वो भी एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रोसेस क्या है, तो हम सिंपली करेंगे इसे सेव। तो हम सेव करने के लिए शेयर के बटन पर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद गाइस हमारे पास नीचे एक बटन आ रहा है एक्सपोर्ट का, तो इस पर हम सिंपली कर देंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद गाइस आप देखें यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको एडिटिंग के हवाले से, यूट्यूब की पॉलिसी के हवाले से, यूट्यूब की न्यू अपडेट के हवाले से वीडियोस मिलती रहेंगी। और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।